हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 2.0 में। दोस्तों, रीट की जो प्रथम पारी के एग्ज़ाम हुई है उसकी आंसर की लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और दोस्तों, ये जो आंसर की है ये स्टूडेंट के जितने भी मेरे को व्हाट्सएप मैसेज आए थे उनके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आए थे और इनके आंसर ये होंगे, ठीक है। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर ले, ठीक है दोस्तों। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था 86वां संविधान संशोधन 2002, ये संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 21 ए से, और इसमें दिया हुआ है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 ए। अगला क्वेश्चन आया था हवा महल का निर्माण, हवा महल का निर्माण करवाया था दोस्तों प्रताप सिंह ने करवाया था और ये करवाया था 1799 में। आगे बात करें, एक क्वेश्चन आया था विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आया था बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इसका आंसर है दोस्तों हावर्ड गार्डनर। अगला क्वेश्चन आया था राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये कहा जाता है जसवंत थड़ा को, जो कि जोधपुर में स्थित है और निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने। एक क्वेश्चन आया था सूर्य नगरी किसे कहते हैं, तो सूर्य नगरी दोस्तों जोधपुर को कहा जाता है, इसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों फूलडोल मेला ये कहाँ पर पड़ता है, ये शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है और ये राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों आधुनिक हिंदी के जनक, तो आधुनिक हिंदी के जनक है दोस्तों, आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी के जनक है। एक क्वेश्चन आया था रेबीज रोग है दोस्तों रेबडो वायरस से होता है। आगे आया था दोस्तों सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर है, तो दोस्तों सिवाना दुर्ग है ये हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है सिवाना दुर्ग, जो कि बाड़मेर में है, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, आगे क्वेश्चन आए थे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब पारित हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को। एक क्वेश्चन आया जैसलमेर का निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों राव जैसलबाटी ने जैसलमेर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन एक आया था नामिम गंगे कार्यक्रम ये कब शुरू हुआ था, दोस्तों ये हुआ था 2014 में नामिम गंगे कार्यक्रम शुरू हुआ था दोस्तों, गंगा नदी को सफाई करने के लिए ये नामिम गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया गया दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों लाखा गुजरी की गायों को किसने बचाया, तो दोस्तों लाखा गुजरी की गायों को किसने बचाया था, वो बचाया था दोस्तों तेजाजी ने बचाया था। आगे बात करें दोस्तों, आगे और क्वेश्चन देखें तो आगे आया था पर्यावरण में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा, तो देख ले हम ऑक्सीजन की मात्रा तो है दोस्तों 20.95% और नाइट्रोजन की मात्रा है 78% और CO2 की है 0.03%, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों भीलवाड़ा को। एक आया था शनि ग्रह का उपग्रह ऑप्शन दिए हुए थे और उनमें शनि ग्रह का उपग्रह आएगा दोस्तों टाइटन, शनि ग्रह का उपग्रह कौन सा है टाइटन। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था रामदेव जी किस वंश से संबंधित है, तो रामदेव जी दोस्तों तंवर वंश से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आधुनिक राजस्थान के निर्माता हैं दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था इंडोनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों ये कालबेलिया जनजाति है उनके द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों जैव विविधता
दिवस है, सॉरी जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जैव विविधता जो अधिनियम है दोस्तों, ये पारित हुआ था 2002 में, 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था। और जैव विविधता जो दिवस है वो मनाया जाता है दोस्तों 22 मई को, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला एक क्वेश्चन आया था, जाम्बोजी ने कितने नियम दिए? तो दोस्तों जाम्बोजी ने दिए थे 29 नियम दिए थे जाम्बोजी ने, ठीक है। एक क्वेश्चन आया, योग दिवस 2022 की थीम पूछी गई थी, तो योग दिवस 2022 की थीम है मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ये है 2022 की थीम योग दिवस की। आगे बात करें, एक क्वेश्चन आया था थेवा कला संबंधित है, तो दोस्तों थेवा कला है ये प्रतापगढ़ से संबंधित है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पुनर्बलन का प्रयोग किसने किया था, ये पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा दोस्तों स्कैनर ने, ठीक है। तो पुनर्बलन का प्रयोग है ये स्कैनर ने किया था। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान का अंतिम गवर्नर जनरल AGJ कौन है? तो राजस्थान का अंतिम गवर्नर जनरल है वो है दोस्तों ब्रूके अंतिम AGJ था राजस्थान का। एक क्वेश्चन पूछा गया था, किरतार बावनी के लेखक कौन है? तो किरतार बावनी के लेखक है दोस्तों दुर्सा आडा किरतार बावनी के लेखक हैं। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, सदैव का संधि उच्छेद, तो सदैव का संधि उच्छेद होगा दोस्तों सदा प्लस एव, और इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, इसमें वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि, ठीक है। तो वृद्धि संधि इसमें है, सदैव का संधि उच्छेद होगा सदा प्लस एव। आगे बात करें तो आगे क्वेश्चन पूछा गए थे दोस्तों, एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो भंडदेवरा जो कि बारा में है उसको राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान का राज्य पक्षी, तो राजस्थान का राज्य पक्षी है दोस्तों गोडावन। आगे पूछा गया था, जोधपुर की स्थापना, तो जोधपुर की स्थापना की थी राव जोधा ने, कब की थी? 12 मई 1459 को की गई थी जोधपुर की स्थापना। एक क्वेश्चन पूछा गया था, चैत्र शुक्ल तेरस मतलब त्रयोदशी को कौन सी जयंती मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को कौन सी जयंती मनाई जाती है दोस्तों? महावीर जयंती मनाई जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सीखने के नियम किसने दिए थे? तो ये दिए थे थॉर्नडाइक ने। एक क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षक का कार्य दिवस कितना होता है? तो शिक्षक का कार्य दिवस होता है दोस्तों 45 घंटे, सप्ताह में कितने होते हैं? 45 घंटे, ठीक है। आगे पूछे गए थे क्वेश्चन दोस्तों, एक आया था डाक के तीन पात मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका आएगा दोस्तों सदा एक सा होना, डाक के तीन पात मतलब सदैव एक सा होना, यह मुहावरे का अर्थ होगा। एक पूछा गया था दोस्तों, निधि का बहुवचन, तो निधि का बहुवचन होगा दोस्तों निधियाँ, ठीक है। एक आया था 420 के, ये मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों, 420 के अभाज्य गुणनखंड, तो 420 के अभाज्य गुणनखंड हैं दोस्तों 4, ठीक है। एक आया था, 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 30 तक कितनी है? 10 अभाज्य संख्याएं हैं। आगे बात करें तो आगे आया था दोस्तों, 3 संख्याओं का औसत 40 है, 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो तीसरी संख्या, तो इसका आंसर होगा 44। कैसे होगा दोस्तों? 3 संख्याओं का औसत 40 मतलब 120 हो गए, 2 संख्याओं का 38 तो 76, इनमें से घटा देंगे तो तीसरी संख्या आ जाएगी कितनी? 44 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको फटाफट से इनके आंसर बता दिए, विद्यार्थियों ने जो मेरे को बताए थे कि सर ये क्वेश्चन आए थे, तो उनके अनुसार मैंने जो रीट एग्ज़ाम है फर्स्ट पारी की उसके आंसर की मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है दोस्तों।